पिछली बार जब मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी, तब आपने मुझसे कहा था कि प्लीज़ आप मैनुअल के बारे में भी बताइए कि यह कितनी तरह के हैं और किसके लिए काम के हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे यही बात करता हूँ कि मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि 4 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल में पाए जाते हैं, इनका क्या पर्पज है और यह क्यों एक दूसरे से अलग हैं और कौन से एक्चुअल में काम के हैं और किस किस तरह की कमियां हैं इन ट्रांसमिशन सिस्टम में। चलिए फिर आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे एक फील करना चाहूंगा। जब भी आप वीडियो बंद करना चाहें आप बिल्कुल बंद कीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मुझे समझने में आसानी होती है कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है या खराब बनाया है, ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ, नॉलेज के लेवल को थोड़ा और बढ़ा सकूं, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। शुरुआत कर देते हैं अपने वीडियो का। जी हाँ, इंडिया में नॉर्मली 4, 5, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स पाए जाते हैं पैसेंजर कारों में। हालांकि ट्रकों बसों में तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती भी होती है गियरबॉक्सेस की, और इवन आर्मी के कुछ ट्रकों में तो कुछ गाड़ियों में यह बहुत ज़्यादा होती है, इवन बताना तक थोड़ा मुनासिब नहीं होगा, 24 गियरबॉक्स तक देखे जाते हैं। तो लेकिन इंडिया में आने वाली शुरुआत की कारों में मैनुअल कारें ही रही हैं, और वह कारों में 4 स्पीड 3 स्पीड गियरबॉक्स पाए जाते रहे हैं, और कुछ गियरबॉक्स ऐसे थे जो अब आजकल हैंड से चलते हैं। पहले स्टीयरिंग पे पीछे ही लगा होता था गियर लीवर ऊपर नीचे करने के लिए, जैसा कि एम्बेसडर और पुरानी फिएट में आपने पाया है। हाँ, और मारुति में शुरुआत में आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स भी आगे मिला है, फिर उसके बाद आल्टो में भी 4 स्पीड आया है कुछ दिनों, फिर उसके बाद 5 स्पीड गियरबॉक्स कॉमन कर दिए गए हैं, और अब कुछ कारों में 6 स्पीड गियरबॉक्स भी आपको मिल रहे हैं मैनुअल कारों में। आखिर इन तीनों गियरबॉक्स के बीच का 4 स्पीड, 5 स्पीड और 6 स्पीड में अंतर क्या आता है प्रैक्टिकल ड्राइविंग में? है तो सब मैनुअल गियरबॉक्स, और मैनुअल की तरह ही काम भी करते हैं, लेकिन डिफरेंस है ड्राइविंग जरूरतों के हिसाब से। नॉर्मली 4 स्पीड गियरबॉक्स सिटी में लोग यूज करना पसंद करते हैं। क्या? क्योंकि उसमें बार बार फ्रीक्वेंटली गियर चेंज नहीं करना पड़ता, और एक गियर के बाद दूसरा गियर लगाने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और दूसरे के बाद तीसरे का भी टाइम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली बार बार गियर चेंज करने की जरूरत कम पड़ती है, और यह कारें शहर में थोड़ा सा आरामदायक होती हैं। लेकिन इनके कुछ माइनस पॉइंट हैं जो थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं आपको। दूसरा होता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि सिटी हाईवे दोनों के लिए ओके ओके सा है, यानी दोनों में अच्छा काम करता है। चूंकि आपको 5 स्पीड वेरिएशन मिलता है, इसलिए आप सिटी में 1st, 2nd, 3rd, 4th पे यूज करते हैं, और हाईवे पे नॉर्मली 5th पे पहुंच जाते हैं। सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए 5th का इस्तेमाल लोग कम कर पाते हैं, और यह ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज भी होता है इंडिया में। लेकिन अब कुछ कारें ऐसी भी हैं जिनमें कि 6 स्पीड गियर बॉक्स भी पाया जाता है, वरना है हाल में लॉन्च की गई नेक्सॉन है, इनमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। और यह 6 स्पीड गियर बॉक्स किनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? इसमें नेचुरल है कि पहले गियर से दूसरे गियर के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस टाइम कम हो जाता है, यानी शुरुआत में आपको जरूर थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करना पड़ता है, लेकिन एक रेंज के बाद 3rd, 4th गियर के बाद आपको सिटी में यह बहुत आरामदायक रहता है, और हाईवे पहुंचने पर यानी आपको 6 स्पीड का वेरिएशन मिलने की वजह से इंजन को कम आरपीएम पर चलना पड़ता है, आपको टॉप स्पीड अचीव करने में भी हेल्प कर देता है, क्योंकि टॉर्क आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक मिल जाता है। अब इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा है? जैसे अगर आपको हाईवे पर ज़्यादा चलना पड़ता है, जहाँ थोड़ा हाई स्पीड पे आपको ड्राइव करना पड़ता है, उस कंडीशन में जितना ज़्यादा गियर होंगे आप टॉप पे चलेंगे तो उतना आरपीएम कम होगा इंजन का, और आरपीएम कम होने से इंजन के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा, इंजन को फ्यूल की कम जरूरत पड़ेगी, और वह टॉर्क आपको ज़्यादा दे पाएगा उसी स्पीड पर, जिस स्पीड पर आपको 4 गियरबॉक्स जितना टॉर्क देता उससे कहीं ज़्यादा मिल पाएगा आपको 6 गियरबॉक्स में। और यही एक बड़ी वजह है हाईवे ड्राइव करने वाले लोग ज्यादा गियर वाले मैनुअल सिस्टम को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यह एवरेज भी अच्छा देता है हाईवे पर, और साथ ही साथ आपको पिकअप भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि टॉर्क आपको लास्ट तक मिल जाता है। 5 स्पीड ऐसा है जो प्रैक्टिकलिटी में ऑल इन वन है, जिसे आप सिटी और हाईवे दोनों कंडीशन पर आसानी से यूज कर लेते हैं। और 4 स्पीड गियरबॉक्स ऐसा होता है जिसे सिटी के लिए अच्छा है, या फिर खराब रास्तों पर थोड़ा बहुत चलने में ठीक रहता है, लेकिन अब आजकल चूँ कम पाया जाता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ा कम है, ये लिमिट में बांध देता है कि नहीं सिटी में ही चल पाओ आप, हाईवे के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो हाई स्पीड पर बहुत ज़्यादा आरपीएम तक इंजन को ले आता है, तो इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है,
तो नुकसान होता है, इंजन की लाइफ भी कमजोर होती है, एवरेज भी कम मिलता है, यह नुकसान होते हैं। इसलिए फोर स्पीड गियरबॉक्स लगभग खत्म होते जा रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो यह है मेन मोटा मोटा डिफरेंस, बड़ा बड़ा डिफरेंस। हाँ, कुछ और भी अच्छा सा नाम ले सकते हैं आप, मुझे बताना जरूर कमेंट में कि क्या सुटेबल वर्ड है, अच्छा लगेगा मुझे, मेरी भी नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कार खरीदते समय किसको प्रेफरेंस देंगे, एक ऑल इन वन 5 स्पीड गियरबॉक्स को या हाईवे के लिए सुटेबल 6 स्पीड गियरबॉक्स को? मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ वो ये कि जितने ज्यादा गियर उतने ज्यादा आपके हाथ में कमांड, तो फिर हाई स्पीड गियरबॉक्स को ज्यादा प्रेफर करें, 5 की जगह 6 स्पीड गियरबॉक्स होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यह मेरा मानना है। बताइएगा जरूर कमेंट में आप कितने स्पीड की कार को ड्राइव कर रहे हैं इस समय, और वह कहां पर आपको कमजोर दिखती है, नीचे कमेंट में लिखिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। इसी से मैं आपको ज्यादा समझ पाता हूं और ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो लिखना ना भूलिएगा। हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए भाई। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज रिव्यूज नई नई कारों के बारे में जानकारी और आपके सवालों के जवाब दिया करता हूँ। कभी कभी ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में भी छोटी मोटी बातें कर लिया करता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दे, और अजय VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को एक बार पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे जा चाहता हूँ, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आज का गुरु, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।